नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर तहसील के विसापुर के भिवकुंड नाले के पास स्थित भिवकुंड हनुमान मंदिर की मूर्ति दोबारा तोड़ने की घटना सामने आई है, जिससे सकल हिंदू समाज के द्वारा आक्रोशित होकर धरना आंदोलन चक्का जाम आंदोलन करने की भूमिका में नजर आ रही है। आज शनिवार की सुबह यह घटना उजागर हुई, जबकि 2 साल पूर्व भी ये मूर्ति तोड़ी गई थी, जिसके विरोध में हजारों राम भक्त, हनुमान भक्त, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए थे, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानंद में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को आरोपी दिखाया था, लेकिन सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के इरादे से किसी की सोची समझी साजिश नजर आ रही है। स्थानीय सकल हिंदू समाज ने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा मंदिर की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस निरीक्षक सुनील गाड़े का तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। हनुमान भक्तों में आनंद तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कैलाश जोरा, शुभम निषाद, विक्की मदुरे, सचिन मुड़े, श्रीकांत उपाध्याय, ऋषभ पेंदोर, आकाश, अंकुश वर्मा, प्रदीप गिड़ाम, अंकुश नारलवार, हुकुम वर्मा आदि के साथ सैकड़ों श्रीराम भक्त, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घटनास्थल पर मौजूद रहे। देखिए, हमारा अपना कुछ नहीं कहना है, सकल हिंदू समाज का कहना है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमारे ख्याल से सकल हिंदू समाज के धर्म को ही मानते होंगे। हमारा जो आज जो हम जिस वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हमको ऐसा बताया गया है कि मूर्ति टूट गया है और प्रशासन की तरफ से जो है इसको मूर्ति बैठा दिया जाए, तो मूर्ति आज नहीं तो कल बिठाया ही जाएगा, और वो काम प्रशासन का नहीं है, वो हमारे समाज का काम है, वो हम खुद करेंगे। आज बिठाएंगे, कल बिठाएंगे, परसों बिठाएंगे। विषय ये नहीं है कि मूर्ति बिठाना है, समस्या हमारा ये है कि हमारी मूर्ति को बार बार तोड़ा क्यों जा रहा है, हमारे धर्म को ही बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है, भारत देश में जो है बहुसंख्यक समाज के साथ ही अत्याचार क्यों होता है हमेशा। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ, आज के 2 साल पहले नवम्बर के महीने में ठीक इसी तरीके का कृत्य किया गया था, प्रशासन के द्वारा जो है हमको आश्वासन दिया गया था कि हम अपराधी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। अच्छा ठीक है, प्रशासन ने अपने तरफ से जिसको भी गिरफ्तार किया वो उसको पागल साबित किया या जो भी, वो उनका विषय है। और उसके बाद में अभी दोबारा फिर जो है हमारे मुनगंटीवार साहब आए थे, एसपी साहब, तत्कालीन एसपी साहब उस समय रविंदर सिंह परदेशी जी आए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पर हम जो है उचित सुरक्षा मुहैया कराएंगे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवाएंगे। भिवकुंड का मंदिर फिर से दोबारा से तोड़ा जा रहा है, और हम लोग ऐसे बस आके खड़े हुए हैं। अभी अब रात को तोड़ा कि सुबह तोड़ा, पुलिस भी आके है, पुलिस बोल रही है मूर्ति ले लो, और हमारा विषय मूर्ति होना ही नहीं, हमारे को मूर्ति हम बिठाएंगे, पुलिस कौन होती है मूर्ति बिठाने वाली, हमारा काम है मूर्ति बिठाना, हमारे हिंदू समाज का काम है। सब लोग यहाँ आके खड़े हुए हैं, पुलिस बोल रही है हम बिठा देंगे, नहीं तुम नहीं बिठाएंगे, हम ही बिठाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं फिर? आपका काम है सिर्फ मुजरिम पकड़ो, आरोपी को पकड़, उसके बाद में हम मूर्ति बिठाएंगे, उससे पहले हम मूर्ति नहीं बिठाएंगे। पहले आपने आरोपी को पकड़ना है, फिर हमारे को बताओ ये आरोपी है, हम सेटिस्फाई होंगे तो फिर हम मूर्ति बिठाएंगे, वो हमारा काम है मूर्ति बिठाना। और हिंदू समाज के सब लोग आए हुए हैं, अब देखो पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं एकदम आराम से, पुलिस ने भी कोऑपरेट करना चाहिए। धन्यवाद। के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।